उत्तर प्रदेश के जनपद बहराइच कस्बा नवाबगंज क्षेत्र में आज ईद उल फितर की नमाज मुस्लिम समुदाय के लोगों ने अपने अपने घरों में अदा की तथा एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दी। आपको बताते चले कि चौथे चरण के लॉकडाउन के कारण मस्जिदों और ईदगाह में नमाज पर पाबंदी के बाद मुस्लिम समुदाय के लोग सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन का पालन करते हुए व सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए अपने अपने घरों में ईद उल फितर की नमाज अदा की तथा एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दी। इस अवसर पर नवाबगंज मिर्जा फाटा किसुन गांव, सतीजोर बनकसही जमादार गांव, भटपुरवा आदि गांव में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने अपने अपने घरों में ही ईद उल फितर की नमाज अदा की। वहीं इस दौरान लोगों ने एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दी तथा बच्चों में ईद की खुशी को लेकर काफी उल्लास दिखा। लॉकडाउन के कारण सड़कों पर तो सन्नाटा पसरा रहा, लेकिन यदा कदा बच्चे ईद की खुशी में सड़कों पर चहल करते हुए नजर आए। वहीं मरकजी हजिन मस्जिद के प्रबंधक लुफ्तार रहमत अंसारी, डॉक्टर महबूब अहमद कासमी ने लोगों को ईद की दिली मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस संक्रमण के चलते इस बार मुस्लिम समुदाय के लोग ईद का पर्व बिल्कुल सादगी के साथ मना रहे हैं और सरकार की गाइडलाइन का पालन करते हुए मुस्लिम समुदाय के लोगों ने अपने अपने घरों में ईद उल फितर की नमाज अदा किया है। उन्होंने सभी रोजेदारों को धन्यवाद करते हुए सभी देशवासियों को ईद की मुबारकबाद देते हुए लोगों से दुआओं में कोरोना वायरस के खात्मे के लिए अपील की। उन्होंने कहा कि हर मुस्लिम समुदाय के लोग ईद उल फितर की नमाज के बाद कोरोना वायरस के खात्मे के लिए अल्लाह से रो रो कर दुआएं मांगे और देश की खुशहाली और तरक्की के लिए भी दुआएं मांगे। इस दौरान प्रशासन काफी सतर्क रहा। थाना प्रभारी शमशेर बहादुर सिंह, वरिष्ठ SI अनिल कुमार पुलिस फोर्स के साथ मस्जिदों और ईदगाहों का भ्रमण करते रहे तथा पुलिस के जवान क्षेत्र की सभी मस्जिदों व ईदगाहों के पास तैनात रहे। तो दूसरी तरफ मुस्लिम समुदाय के लोगों ने सरकार की गाइडलाइन का पालन करते हुए शांतिपूर्वक अपने अपने घरों में ईद उल फितर की नमाज अदा कर प्रशासन का सहयोग किया। आपका नाम? मोहम्मद रिजवान। कहाँ के रहने वाले हैं? नवाबगंज। ईद की नमाज पढ़े? जी। कहाँ पर? अपने घर पर। और उसके बाद क्या किया? कोरोना वायरस महामारी बीमारी जो है उसके लिए दुआ कराई गई और कई मुल्क के लिए और अपने براہ راست کے لیے۔ عید الفطر کا دن ہے اور ہم مرکزی عید گاہ نواب گنج میں کھڑے ہوئے ہیں۔ سرکار دوارا جاری گائیڈ لائن کے کارن جہاں مسجدوں میں نماز نہیں ہو سکتی ہے وہیں عید گاہوں میں بھی نماز نہیں ہو سکتی ہے۔ وہیں مسلم سمودائے کے لوگوں نے اپنے اپنے گھروں میں عید الفطر کی نماز ادا کی ہے۔ وہیں مرکزی عید گاہ میں جو ہے تالا پڑا ہوا ہے और यहाँ पर कोई भी नमाजी नमाज पढ़ने के लिए नहीं आया है, जबकि हर साल यहाँ पर हजारों की भीड़ नमाज पढ़ने के लिए इकट्ठा होती थी, लेकिन कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए मुस्लिम समुदाय के लोग भी अपना काफ़ी योगदान दे रहे हैं और उन्होंने सरकार की गाइडलाइन का पालन करते हुए अपने अपने घरों में ईद उल फितर की नमाज अदा की है। हम ईदगाह से जुड़े मेंबर से बात करना चाहते हैं, ये बताइए मुस्लिम समुदाय के लोगों ने कहां पर नमाज अदा की? नमाज तो अपने अपने घरों पर ही अदा की है लोगों ने। सरकार का गाइडलाइन का पालन करते हुए मुस्लिम समुदाय के लोगों ने अपने घर में नमाज अदा की है। जी, जी। और ये देखिए ये मरकजी ईदगाह है और इसमें ताला पड़ा हुआ है। अखंड भारत न्यूज के लिए नवाबगंज बहराइच से जमील अहमद की रिपोर्ट। अखंड भारत न्यूज के लिए जमील अहमद की रिपोर्ट, बहराइच।